हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा और आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही यूनिक कैमरा और ये फुल एचडी कैमरा है। इसके बारे में पूरा रिव्यू करेंगे। ये पैन कैमरा, पॉकेट कैमरा या जो भी आप इसको कहना चाहें वो कह सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा, मतलब इसकी क्लियरिटी आप देखेंगे तो सच में बहुत अच्छी है। और मैं इसकी पूरी क्लियरिटी वगैरह सब चीज़ दिखाऊँगा आपको, इसकी वीडियो बना के दिखाऊंगा और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसे यूज़ करते हैं, सारा कुछ मैं इसके सारे फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। छोटे छोटे जो तीन बटन्स हैं, ये दो बटन नीचे हैं, और इसके अंदर मेमोरी कार्ड कैसे लगता है, कहाँ लगता है, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। और जो लोग मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, अभी आए हैं चैनल पर, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए, अब ये देख सकते हैं आप, ये इसके साथ एसेसरीज आती हैं, ये कैटलॉग आती है पूरी इसी के साथ, और इसके साथ एक डाटा केबल आती है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं, जिसको आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस आप लाइव वीडियो टीवी पे देख सकते हैं। यस, इसकी लाइव वीडियो आप टीवी पे भी देख सकते हैं। आपको जस्ट इसको पीछे प्लग इन करना है और आपको ये टेलीविज़न पे लगा देना है, और ये कैमरे को ऑन करके टेलीविज़न के अंदर डायरेक्ट आप इसको लगा देंगे, और ये यूएसबी को चार्जर में लगा सकते हैं। नहीं भी लगाया हो, कैमरे को जस्ट ऑन करना है और इसको आपको टीवी में, टेलीविज़न में, वीडियो वाले पोर्ट में लगाना है। ठीक है, वीडियो वाले पोर्ट में लगाते ही इसकी लाइव वीडियो आप अपने टीवी में देख सकते हैं। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा इसका फीचर है। ठीक है, बाकी इसके जो बटन्स का फंक्शंस है, क्योंकि ये स्पाई कैमरा की तरह काम करता है, तो इसके मेन फीचर्स वही हैं। इसके क्या कहते हैं, इसके अंदर मेमोरी कार्ड कैसे लगाते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो वो मैं आपको इसके अंदर पूरा बताऊँगा। तो इसके पीछे ये जो बॉक्स सा देख रहे हैं, ये इसको आप प्लग आउट कर देंगे, मतलब सॉरी, इसको निकाल देंगे आप यहाँ से, और यहाँ पर इसका आपको देखेंगे तो यहाँ पर मेमोरी कार्ड की स्लॉट है, जहाँ पर इसका मेमोरी कार्ड लगता है और जहाँ से ये चार्ज होता है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, चार्जर का कोई और नहीं होता, लोग ढूंढते रहते हैं यार चार्जर कहाँ है, इसमें चार्ज कैसे करूँ, तो इसके पीछे ये जो होता है इसको आपको हटाना है। और इस तरीके से जैसे मैं मेमोरी कार्ड लगा रहा हूँ, सेम एज इट इज़ इसी तरीके से आपको इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगाना है, और इससे ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है मेमोरी कार्ड को अंदर लगाने की, अदरवाइज़ इसका जो पोर्ट है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इतना ही मेमोरी कार्ड लगेगा जितना मैंने इसके अंदर लगाया है। उसके बाद आपको इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये अभी कैमरा आपने देखा होगा कि यार कैमरा दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर दे रखा है जिससे कि किसी को पता भी ना चले, अप डाउन करके इसका कैमरा आप इसके अंदर से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि इस तरीके से आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जो पीछे छोटा सा छेद देख रहे हैं, ये इसका ऑडियो का बटन है। ठीक है, और जब आपको इसको ऑन करने के लिए सब ऊपर वाला जो बटन है इसका, उसको दबाए रखना है, 2 से 3 सेकंड तक भी दबाएंगे, या अगर नहीं चलता है तो 5 सेकंड तक दबाएंगे और मेमोरी कार्ड लगा देंगे तो ही ये वर्क करेगा। पहली बात ये सुन लीजिए, अगर आपने इसके अंदर मेमोरी कार्ड ढंग से नहीं लगाया तो इस तरीके से रेड लाइट और ब्लू लाइट एक साथ जल के ये बंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको करके भी दिखा दिया है। अगर मेमोरी कार्ड आपका ठीक से लगा होगा और मेमोरी कार्ड इसमें सपोर्ट कर रहा है जो आपने इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगाया, तो ओनली ऑन करने के बाद ओनली नीली लाइट, जो ब्लू लाइट आप देख पा रहे हैं, यही जलेगी और कंटिन्यूस जलती रहेगी ये। ठीक है, और रेड लाइट वगैरह कोई नहीं जलेगी इसके अंदर। और जैसे ही आपको वीडियो बनाएं तो सिंगल प्रेस करना है ऊपर वाला बटन, सिंगल। ठीक है, जो बटन है इसको सिंगल प्रेस करना है, तो 3 बार बटन ब्लिंक होकर ये लाइट, ब्लू वाली लाइट बंद हो जाएगी और अब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। और ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा एंड में, जब आप देखेंगे इसकी वीडियो मैं पूरी दिखाऊंगा। और ये सच में बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी, ये फुल एचडी में आता है और इसकी क्वालिटी आप देखेंगे, अभी मैं लाइव दिखाऊंगा इसकी क्वालिटी बाद में कंप्यूटर में यही वाला मेमोरी कार्ड लगा के, तो आप इसकी देख पाएंगे क्लियरिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। और बंद करने के लिए सिंगल वही आपको एक ही बट एक बार प्रेस करना है तो ये वीडियो इसकी बंद हो जाएगी। ठीक है, और अब ये दो बटन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिए हुए हैं, एक पे F लिखा हुआ है, एक पे R, और ये F मतलब होता है फ़ोटो। अब पता नहीं इन्होंने क्या दिया है क्या नहीं दिया, बट इसका मतलब फ़ोटो होता है। ठीक है, F का मतलब इनके हिसाब से फ़ोटो, वैसे P से होना चाहिए फ़ोटो का, बट इन्होंने F से दे रखा है। तो आपको अगर फ़ोटो क्लिक करनी है तो सिंगल प्रेस करना है, F वाला बटन सिंगल प्रेस करना है, और उसके बराबर में ये रीसेट वाला बटन है R जहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आपको कभी क्या होता है, हम ऑन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, बंद नहीं हो पा रहा मैम आपका कैमरा, तो आपको क्या करना है, सिंगल प्रेस करना है R वाला बटन। जैसे ही सिंगल प्रेस करेंगे तो वो कैमरा आपका रीसेट हो गया, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, इसकी IC वगैरह में बहुत ही रेयर मेरे प्रोडक्ट्स में तो वैसे आएगा भी नहीं, बट आप बहुत ही रेयर कभी आ जाता है, तो आप इसको R वाले बटन से इसको भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और बंद करने के लिए आपको सिंगली वही दोबारा से ऊपर वाला बटन दबाए रखना है, ये बंद हो जाएगा। अब चलिए इसका मेमोरी कार्ड निकालते हैं और इसकी वीडियो देखते हैं हम अपने लैपटॉप में।
तो मैंने देखिए मेमोरी कार्ड लगा दिया है और अब इसकी वीडियो देखेंगे हम अपने लैपटॉप में। मैं लगा के देखता हूँ। वैसे आप इसकी फ़ोन में भी वीडियो अपने एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह में भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लैपटॉप ही इसके लिए ज़रूरी है। अपने फ़ोन में भी आप इसकी ये वाला मेमोरी कार्ड लगा के अपने फ़ोन में वीडियो देख सकते हैं। बस VLC प्लेयर एक बार डाउनलोड कर लेना, VLC प्लेयर, ठीक है। ये अपने फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर DCMI करके एक फोल्डर आता है, जिसके अंदर ये जो दो नीचे आप देख रहे होंगे ये दो वीडियो हैं और ऊपर जो है फ़ोटोज़ हैं। तो मैंने चार फ़ोटोज़ ली थी, तो वो चार फ़ोटोज़ आ रही हैं, बाकी ये वीडियो आ रही है। तो वीडियो इसकी ऑन करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इतनी बढ़िया क्लियरिटी है इसकी। और यहाँ पर मेरी ये शॉप है, ऑफिस है, शॉप तो नहीं बट ऑफिस है। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं रोशनी यहाँ पर बहुत ही कम थी, ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ट्यूबलाइट लग रही है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। और मैं देखिए ट्यूबलाइट के बिल्कुल विरुद्ध देख रहा हूँ। आप किसी भी अपने फ़ोन के अंदर अगर लाइट के विरुद्ध देखते हैं, अगर मोबाइल को एक बार लगाना लाइट की तरफ, तो इस तरीके की क्लियरिटी नहीं आएगी वहाँ पर। बट इसके अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट है, इसके अंदर अपने आप एडजस्ट कर लेता है। कम रोशनी में आपको ज़्यादा बढ़िया ब्राइट फोटोज़ दिखाएगा, ठीक है, बट क्लियरिटी दिखाएगा आपको वीडियो की। तो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्लियरिटी है। जिन भी लोगों को ये प्रोडक्ट बाय करना हो, ओरिजिनल जो पीस है वो बाय करना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुझे आप किसी भी माध्यम से इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं आप। और ये देखिए ये फ़ोटोज़ हैं, कुछ फ़ोटोज़ भी देख लेते हैं। तो ये फ़ोटोज़ की क्लियरिटी भी बहुत ही अच्छी है, ठीक है, अच्छी तरीके से ये लेता है। ये तो मैंने जस्ट नीचे करके ली थी आपके सामने, तो वो वाली फ़ोटोज़ आ रखी हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपने लैपटॉप में देख सकते हैं। तो जिन भी लोगों ने प्लीज़ यार दोस्तों थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, ऐसे ही मत चले जाए करें, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और मैं नए कैमराज़ की वीडियो आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए सिंपली वे में, मतलब किस तरीके से आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं उस वे में आपको समझाता हूं मैं। और भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और जिन भी लोगों को ये बाय करना हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।